स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के इस तीसरी क्लास में। आपने पहले और दूसरे क्लास को बैक टू बैक देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जा करके देख लीजिएगा। उसमें जो है एमएस वर्ड के बारे में शुरुआती जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप समझ लें एमएस वर्ड का फंडामेंटल है वो, आप समझ लें एमएस वर्ड का वो बेसिक है, बेसिक्स की जानकारी, जिसको कैसे ओपन क्लोज करते हैं, कैसे बिल्ड है, डेवलप है, किसने डेवलप किया है, इस तरह की अनेकों इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी क्लास में तो एमएस वर्ड पर किस प्रकार से काम करना है और काम करने से पहले क्या क्या सेटिंग्स जो होती हैं वो कर लेनी होती हैं, उन सेटिंग्स की जानकारी अगर आपको नहीं है तो जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें जो है मैंने आपको बताया है, बहुत डीप जो है इन्फॉर्मेशन है जिनको मैंने सिंपल जो है उसको दिखा करके, लाइव दिखा कर, प्रैक्टिकल करके मैंने आपको बताया है। अब उसी दूसरी क्लास में जितना भी आपने पढ़ा है ठीक उसके आगे जो है अब आप इस तीसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ, रन कमांड से ओपन करूंगा विंडो आर प्रेस करके, और इसमें मैं विन वर्ड लिख दे रहा हूँ। पहले से लिखा हुआ था तो नीचे सजेशन में आ रहा है, एरो से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर दूंगा और लेटेस्ट वर्जन एमएस वर्ड 2019 आपके सामने ओपन हो रहा है। तो अब हम आगे की चीजों को जानने वाले हैं। तो मैं आपको चलता हूँ यहाँ पर, मैं इज इक्वल टू आर ई एन डी रैंड टाइप करके, रैंड कैसे क्या होता है, दूसरी क्लास में हमने खुद का रैंडम कैसे हम सेट करते हैं ये भी मैंने बताया है। जो है रैंड क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, इन सब चीज़ों को मैंने दूसरी क्लास में जो है मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं है, पूरी अच्छे से जानकारी नहीं है, डिटेल में जानकारी नहीं है, तो दूसरी क्लास, इसके पहले वाली क्लास को आप जाकर के देख लीजिएगा। तो अब जो है मैं इसमें रैंडम कमांड से, और मैं क्या करता हूँ कि चल करके 20 टाइप करके और यहाँ पर एंटर प्रेस करता रहा हूँ कि 20 मतलब क्या, तो 20 पैराग्राफ मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से मैं इसकी साइज बढ़ा ले रहा हूँ। साइज इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि क्लियरली दिखे, और मैं अलाइन दोनों तरफ इक्वल कर ले रहा हूँ। अलाइन का मतलब होता है इस साइड में एकदम आपको दिख रहा है कि अलाइन बराबर है लेकिन इस साइड में बराबर नहीं है, तो कंट्रोल जे से मैंने इसको जस्टिफाई कर लिया। ये सब मैं करता हूँ, ये सब जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबके लिए जरूरी नहीं कि मैंने सेटिंग किया है, ठीक है। तो मुझे बताना क्या, तो देखिए जब जैसे मैं एमएस वर्ड को ओपन किया, मैंने कुछ इसमें टाइप कर लिया, साइज बढ़ा लिया, तो जैसे टाइप कर लेते हैं ना तो आप देखें यहाँ पर जो है, अगर ना भी टाइप करें तो भी आपको एक चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि ऊपर जो है आपको टॉप मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर जो हेडर होता है वो आपको हेडर दिखाई नहीं देता है, पेज के चारों तरफ जो स्पेस जो आपको दिखाई देता है उसे हम मार्जिन कहते हैं, ऊपर के जो स्पेस होते हैं उसे हम टॉप हेडर कहते हैं, नीचे जो होता है वो फुटर होता है। और यहाँ से देखिए दूसरा पेज मेरा जो है चालू हो रहा है लेकिन यहाँ पर पतली सी लाइन दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी बॉटम जो है स्पेस वो नहीं दिखाई दे रहा है, और सेकंड पेज का जो है टॉप हेडर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है, कभी कभार जो है इस तरह के एरर आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह से पेज पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं ताकि ऊपर आपको हेडर दिखाई दे, नीचे फुटर दिखाई दे, दोनों पेजेस के बीच में स्पेस दिखाई दे, गैप दिखाई दे, वो कैसे दिखाई देगी, आइए इस सेटिंग्स को कैसे हम लोग जानते हैं। एक प्रकार की एमएस वर्ड की सेटिंग है जिसको जो है अगर आप सेट कर दें तो आप में इस तरह का दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए चलते हैं सेटिंग्स में, वर्ड ऑप्शन में, जिसके लिए आपको अल्ट एफ टी प्रेस करना होगा। अल्ट एफ टी जैसे प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे वर्ड ऑप्शन, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वर्ड ऑप्शन आने के बाद से आपको चलना होगा डिस्प्ले में, ये जो सेकंड ऑप्शन है डिस्प्ले में, और यहां पर जाने के बाद से जो सबसे पहले ऑप्शन दिया है सो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू क्या है ये चीज आप आगे जानेंगे। एमएस वर्ड में 5 तरह के व्यू होते हैं जिसमें से प्रिंट लेआउट व्यू जो है आपका डिफॉल्ट व्यू होता है एमएस वर्ड का। ये क्वेश्चन भी आता है कि एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू बताइए, तो प्रिंट लेआउट व्यू होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं ये आगे की हैं जब हम एमएस वर्ड पे जो है सीखना शुरू करेंगे, अभी तो हम बस बेसिक चीजों को देख रहे हैं, अभी ये बिगिनिंग है, अभी हमने एमएस वर्ड की शुरुआत नहीं की है। मतलब एमएस वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद से क्या क्या ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनको आपको कर लेना होता है, जिनके बारे में जानकारी चाहिए होती है, वो सब चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं। तो आप आ करके और यहाँ जो दिया हुआ है सो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू, इसको बस आप चेक कर दीजिएगा। चेक करने के बाद से आपको क्या करना है, नीचे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही उसको सेट कर देंगे, आप देखें पेज के ऊपर भी यहाँ पर मेरे को स्पेस दिखाई दे रहा है, पेज के नीचे जो है यहाँ पर फुटर दिखाई दे रहा है, दो पेजेस के बीच में गैप भी दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है। तो वो सब चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो हमने इन चीज़ों को देख लिया, अब क्या है, चलिए अब हम दूसरी चीज़ को सीखने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि मैंने चाहता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, और मैं चल करके यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि कौन सा कलर लूँ तो बेटर लगेगा। तो जब तक मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ तब तक जो बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा है, जबकि मैं क्लिक करके नहीं, मैं बस ऐसे ही जो है चेक करना चाहता हूँ, मैं नो कलर फिर से कर दे रहा हूँ, नो कलर कर देने से जो है कलर हट जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहीं पर जो है क्लिक करते ही वो मुझे प्रीव्यू दिखा दे, मैं जैसे जा रहा हूँ कोई प्रीव्यू मुझे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। या फिर मैं टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहता हूं तो जैसे मैं माउस को किसी भी कलर के ऊपर लेकर जाऊं तो प्रीव्यू तुरंत यहां पर दिखाई दे, और जब क्लिक कर दूं तो वो कलर जो है अप्लाई हो जाए।
और उसी तरीके से बुलेट्स वगैरह अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसका प्रीव्यू दिखाई दे, देखिए प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बुलेट्स वगैरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्टाइल्स होते हैं, इनको भी मैं लेकर माउस जैसे उसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो इसका प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर ढेर सारे स्टाइल्स हैं, इन पर भी माउस लेकर जा रहा हूँ तो वो प्रीव्यू ले जाने मात्र से नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे सेट करेंगे ताकि जैसे ही आप सिर्फ माउस लेकर जाएं प्रीव्यू दिखाई दे, जो आपको बेटर लगे बस आप तब क्लिक करें, ये नहीं कि बार बार आपको क्लिक करना पड़े तब जा करके जो है। अब जैसे कि अगर प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो हर बार मुझे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और बार बार मुझे जब मैं इस बार क्लिक करूंगा, फिर मैंने देखा नहीं ये नहीं दूसरा चाहिए, फिर जाऊंगा फिर दूसरे मैंने क्लिक किया, तो ये बार बार क्लिक करके आना जाना ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इससे बेटर है कि मुझे वहीं पर प्रीव्यू दिखा दे, जो मुझे बेटर लगे उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और वो सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, आइए चलिए इस सेटिंग्स को जो है हम कैसे इनेबल करते हैं। तो आपको अल्ट एफ टी प्रेस करना होगा, अल्ट एफ टी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप जनरल ऑप्शन में, यहाँ जो दिख रहा है ये जनरल ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन में यहाँ पर होता है इनेबल लाइव प्रीव्यू, अगर ये चेक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसे आप चेक कर दीजिएगा क्लिक करके। जैसे आप चेक कर देंगे और यहाँ पर ओके करिएगा, ओके कर लेने के बाद से अब आप जो है किसी भी तरह का जो है आप सेटिंग्स जो लाइव कर रहे थे वो देखिए आपको दिखाई देगा। जैसे मैं चलता हूँ इसमें और मैं किसी भी कलर्स पे जैसे माउस लेकर के जा रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर देखिए लाइव जो इस तरह के वहाँ प्रीव्यू दिख रहा है। कलर जो सिर्फ अगर फॉन्ट स्टाइल में चेंज करना चाहता हूँ तो आप देखें यहाँ भी मुझे लाइव प्रीव्यू दिख रहा है। यहाँ पर जो जो इफेक्ट्स हैं वो भी मुझे लाइव दिखाई दे रही हैं, उसके सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बुलेट्स में मुझे जाकर के अप्लाई करना है तो बुलेट्स भी मुझे जो है बस मैं लेकर के जा रहा हूँ, देखें अपने आप यहाँ पर बुलेट्स का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है जो मुझे पसंद है, बस मुझे क्या कर लेना है ये स्टाइल्स पे भी। तो ये चीज़ें जो आप वहाँ से इनेबल करते रहे, नहीं चाहिए आपको तो वहाँ जा करके अनचेक कर दीजिए, अनचेक आप कर देंगे तो वो चीज़ डिसेबल हो जाएगी। तो ये दूसरी ऐसी सेटिंग्स थी जिसको आपने देख लिया, जिनका आपने उपयोग करना सीख लिया, कैसे इनको यूज करते हैं इनको आप जाकर कर प्रैक्टिस करिएगा। बार बार प्रैक्टिस करने मात्र से जो है इन चीज़ों को आप सीख पाएंगे, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, ये चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाती हैं। अब चलिए हम तीसरी चीज़ को देखने वाले हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप एमएस वर्ड में जब आप काम करेंगे, आगे बहुत सारी चीज़ें जो है आप जानेंगे, तो उसमें एक चीज़ और जानेंगे कि हाईलाइट करने के लिए जो है एमएस वर्ड कुछ टूल्स देता है। तो हाईलाइट करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो टूल होते हैं, उनका काम ये होता है कि किसी शब्द को, किसी मैटर को, किसी लेटर को, अक्षर को, पैराग्राफ को आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए जो है इसने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे ये स्ट्राइक थ्रू है, अब इससे भी आप किसी भी शब्द को सेलेक्ट करिए और क्लिक कर देंगे तो ये क्या करता है उसे क्रॉस कर, उसे जो है मार्क कर देता है और वो हाईलाइट हो जाती है। और इसी तरीके से कलर भी आपको मिलते हैं हाईलाइट करने से रिलेटेड, जो है आपको वहाँ पर कलर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने किसी शब्द को सेलेक्ट किया और मैं जा करके अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसका नाम ही होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, और इस तरह आप जो है बैकग्राउंड को आप कलर कर देंगे जिससे वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। किसी भी शब्द को सेलेक्ट करिए तो आप, तो इस तरीके से जो हाईलाइट करने वाली जो चीज़ें होती हैं जिनका काम होता है उस पार्टिकुलर जो है टेक्स्ट मैटर को हाईलाइट करना, अगर आप चाहते हैं कि वो सो ना हो, वो हाइड हो जाए, वो डिसेबल हो जाए, वो हाईलाइट ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप जा करके जो है एक सेटिंग है, उस सेटिंग को आपको जो है ऑन और ऑफ करना होता है। तो उसके लिए फिर से हम लोग चलेंगे अल्ट एफ टी प्रेस करेंगे और उसके बाद से आपको चलना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आकर के यहाँ पर एक दूसरा जो है ऑप्शन है शो हाईलाइट मार्क्स, इसको अनचेक कर दीजिए, ओके करिए और आप जा करके जो है, मैंने किसी शब्द को सेलेक्ट किया और मैं जा करके बैकग्राउंड में, अब ये देखिए मैंने ये कलर कर दिया, ठीक है ना, ये हाईलाइट हो गया। ओके, तो हाईलाइट हो जाने के बाद से अब मैं जा करके जो है उसे डिसेबल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले में जा करके इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए इस पर मैंने जो है हाईलाइट किया था वो चीज़ डिसेबल हो गया, वो दिख नहीं रहा है। किसी दूसरे शब्द पे मैं जा करके और जो है कोई दूसरा कलर लेता हूँ, जैसे दूसरा लेता हूँ तो इसके पहले मैंने हाईलाइट किया था वो भी इसके साथ साथ शो होने लगता है। तो ये छोटी सी सेटिंग है जिसका काम होता है कि जो हाईलाइट्स इफेक्ट हैं उन इफेक्ट्स को जो है आप जा करके कहाँ से, ऑप्शन में जा करके, डिस्प्ले में जा करके इसे आप अनचेक करके और इस हाईलाइट्स को शो या हाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने देख ली। चलिए हम अगले चीज़ को जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप एमएस वर्ड पे ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ स्पेस दिया है और कहाँ कहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया है, आपने इतना सारा मैटर लिखा है, हमने रैंडम कमांड से जो है 20 पैराग्राफ शुरू में लिया था, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पर एंटर किया है और कहाँ कहाँ पर आपने स्पेस दिया है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिंपली जो है कंट्रोल शिफ्ट और स्टार बटन प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट और स्टार अगर आप नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है होम मेन्यू में आइए, होम में, और यहाँ पर एक टूल है ये देखिए, इसको क्लिक कर देंगे तो वही सेम चीज़ जो है आपके सामने अप्लाई हो जाता है। और देखिए जहाँ जहाँ भी आपने स्पेस दिया है, एक स्पेस दिया है तो एक डॉट आपको दिखाई देगा,
और लास्ट में इस तरह का एक मार्क दिखाई देता है जिसका मतलब होता है कि आपने एंटर प्रेस किया है, और शब्दों के बीच में जो डॉट दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपने वहाँ पर एक स्पेस लिया है। अगर दो स्पेस लिए होंगे तो स्पेस, जैसे मैंने दो स्पेस यहाँ कर दिया तो दो डॉट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये टूल क्या करता है कि आपने पेज पर कहाँ कहाँ स्पेस और एंटर दिया वो चीज़ें शो करता है। तो जब कभी भी ऐसा शो हो तो आप दोबारा क्या कर सकते हैं, इसको जा करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ आप क्लिक कर देंगे, और क्लिक कर देने से क्या होता है कि जो है आपके पेज पर जो भी इस तरह के जो सेटिंग्स होते हैं, इस तरह के जो आइकन होते हैं वो हाइड हो जाएंगे, या तो कंट्रोल शिफ्ट स्टार प्रेस कर देंगे तो भी जो है हाइड हो जाते हैं, शो होंगे हाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक है, कि मैटर्स को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगली जो चीज़ जानने वाले हैं वो भी इसी से रिलेटेड है। मैंने इसको इसलिए बता दिया ताकि जो है आपके मन में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं कि इसी से रिलेटेड, आइकन से रिलेटेड है, और वो किस प्रकार से काम करता है, और वो भी शो करता है पेज पे, तो वो हाइड नहीं होता है। क्योंकि अभी इस टूल को तो आपने क्लिक किया और ये शो कर रहा है, फिर आपने दोबारा क्लिक कर दिया तो ये हाइड हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, किस तरह के आइकन शो करते हैं पेज पर, लेकिन अगर जब आप हाइड करने लगे तो वो हाइड नहीं होता है। ठीक है, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं काम करता हूँ उस मैटर को पूरा सेलेक्ट करके, कंट्रोल से मैंने सेलेक्ट कर दिया, और इसको डिलीट बटन से मैं इसको पूरा डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैटर डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें कि एक आइकन जो है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन लिखने से पहले यहाँ पर एक आइकन शो हो रहा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ भी यहाँ पर लिखता हूँ, आप देखें मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, और जैसे मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो स्पेस प्रेस करते ही मैं जूम करता हूँ, आप देखें वहाँ पर मुझे एक डॉट भी दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन से मैं इनकी साइज बढ़ा दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, और ये देखिए जहाँ जहाँ मैं स्पेस दे रहा हूँ अपने आप वहाँ पर डॉट आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर चेक है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर चेक नहीं है। और उस पर जा करके मैं दोबारा क्लिक करता भी हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं जाके दोबारा क्लिक करता हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखें इसमें कितना क्लिक कर रहा हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हट नहीं रहा, ये डिसेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या ऐसा हो रहा है अभी इस तरीके से करने से, ये क्या ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है, इसको कैसे आप हटाएंगे, ऐसे भी कभी कभार जो है एरर आ जाती है। तो ये एरर नहीं है, एमएस वर्ड के सेटिंग्स हैं, और इन सेटिंग्स को जो है आपको कहाँ से ऑफ और ऑन करना होता है इसको जान लेना शुरू में ज़रूरी होता है। ठीक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इसे ऑन कर सकें, और ज़रूरत नहीं है तो आप इसे ऑफ कर सकें। तो इनको अगर हटाना हो आपको जो है, तो कैसे आप हटाएंगे, उसी सेटिंग्स में चलेंगे Alt F3 में, और आपको चलना होगा दूसरा जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया है डिस्प्ले, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये जितने भी हैं इनको आपको अनचेक कर देना होता है। इन सबको जो आप अनचेक कर दीजिए, इनकी आपको आवश्यकता नहीं होती है। मैं एक करके मैं बता दूंगा कि ये काम क्या करते हैं। अनचेक कर दिया करिए, अगर ये चेक्ड हैं, अगर मान लीजिए ये चेक है तो जो है ये आपके जब भी आप एंटर कुछ भी लिखेंगे तो वो हमेशा आपको दिखाई देगा। तो मैंने सबको अनचेक कर दिया, मैं ओके करता हूँ। अब आप देखिए मेरे पेज पर कहीं भी कुछ भी इस तरह के आइकन नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं अब लिख रहा हूँ, कहीं भी मुझे कुछ इस तरह के आइकन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ जो आपको डॉट दिख रहा है ये मैंने टाइप किया था, मैं ऐसे रैंडमली टाइप करता जा रहा हूँ, इसलिए जो है आप देखें कहीं भी कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये आप सेटिंग है, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ उसी में दिखा दे रहा हूँ, वहीं आइकन से रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऑप्शन में चल रहा हूँ और यहाँ पर जो है डिस्प्ले में, अगर आपने इन सबको ऑन कर लिया, जैसे मान लीजिए ये टैब कैरेक्टर है, इसको अगर आपने ऑन कर लिया तो जब भी आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह का आइकन वहाँ पर शो होने लगेगा। मैं आपको करके इसको मैं ऑन कर लिया, ओके करके मैं आपको दी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नेम, नेम लिख करके और मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, देखिए ये इस तरह का जो है आइकन शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नेम में आगे मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, फिर एंटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर मैंने फादर्स नेम यहाँ लिखा, फिर टैब, जितनी बार आप टैब प्रेस करेंगे उतनी बार जो है वहाँ पर वो उस तरीके से आइकन शो करेगा। तो यहाँ पर तो हमने यहाँ पर इसे कर लिया है, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो टैब बटन जब कभी भी प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आइकन आएगा और ये हटता नहीं है। अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो फिर वहाँ का स्पेस डिलीट हो जाता है, लेकिन आइकन फिर से दोबारा आ जाएगा अगर आप टैब बटन प्रेस करेंगे। तो आप जानते हैं इनको हटाने का वही तरीका है जहाँ से आपने इसको इनेबल किया था, Alt F3 प्रेस करिएगा, Alt F3 प्रेस करके डिस्प्ले में जाइएगा और इसको अनचेक करके अब देखिए ओके करिए तो आपको कोई भी बीच में उस तरीके आइकन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है वहाँ पर दिया गया जो भी वहाँ पर आइकन दिखाई दे रहा है कि अगर आप स्पेस लेंगे तो इस तरह के डॉट डॉट जितनी बार आप स्पेस प्रेस करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे उतनी बार इस तरह के डॉट दिखाई देंगे। जैसे दो शब्दों के बीच में आप एक स्पेस प्रेस करते हैं तो वहाँ पर स्पेस खाली रहता है, लेकिन अगर आपने इसको चेक कर दिया है तो वहाँ पर जो है एक डॉट दिखाई देगा। दो बार अगर आपने स्पेस बार प्रेस किया है तो दो वहाँ पर डॉट दिखाई देंगे शब्दों के बीच में। और अभी आपने ये आइकन देखा, ये हिडन जो टेक्स्ट होते हैं उनको भी दिखाएगा, इस तरह के हाइफ़न वगैरह शो करने लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमेशा अनचेक होनी चाहिए, इनकी ज़रूरत आपको होती नहीं है। तो आपने जो है देख लिया कि किस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होते हैं जो जब आप एमएस वर्ड पे काम करने
की शुरुआत करते हैं, काम करने जाते हैं, तो जरूरी होता है ये सब चीज़ें आप जान लें, नहीं तो किसी भी एक सेटिंग के ऑन या ऑफ हो जाने की वजह से बहुत दिक्कत होती है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसको कैसे जो है हम हटाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आप इसकी इसका अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपके सिस्टम पे कुछ भी ऐसा है जो नहीं काम कर रहा, नहीं हो रहा है, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, वहीं पे आपको उसका जवाब मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।